सो ये व्हाट्स अप गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के मॉब्स के जायंट स्टैच्यू, जिससे कि ऐसा लगेगा कि हमारे वर्ल्ड के ऊपर हुआ है जायंट मॉब्स का अटैक। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, क्योंकि हम लोग 1K के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इन सारे बिल्ड्स को बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा ढेर सारा सामान, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट से अभी चलते हैं अपने घर की तरफ और वहां पे जाके देखते हैं हम लोग के पास जितना भी सामान होगा उसे कलेक्ट करते हैं और अपना बिल्ड बनाना भी चालू करते हैं। तो इन बिल्ड को बनाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा ढेर सारा कंक्रीट पाउडर, कंक्रीट और बहुत ही सारा वूल। तो इसे कलेक्ट करने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो फटाफट से अभी इसे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपना बिल्ड बनाना चालू करते हैं। कंक्रीट के लिए सैंड एंड ग्रेवल मेरे पास स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है, तो फटाफट से वहां से लेके चलते हैं और अपना ग्रीन कंक्रीट बनाते हैं। तो मेरे घर के पीछे थोड़े बहुत कैक्टस लगाए थे, तो फटाफट से वहाँ से कैक्टस लेते हैं और उसके बाद उसकी ग्रीन डाई बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को ढेर सारी ग्रीन डाई लगने वाली है। हम यहाँ पे वापस से कैक्टस लगा देते हैं, उसके बाद चलते हैं फर्नेस के अंदर कैक्टस को स्मेल्ट करने के लिए, जिससे हम लोग को मिलेगी ग्रीन डाई। तो मैंने ग्रीन डाई से लाइम डाई बना ली है और अभी फटाफट से लाइम कंक्रीट बना दिया है। वैसे हम लोग को ग्रीन कंक्रीट भी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास इतना कैक्टस नहीं है। मैंने कैक्टस जो लगाया वो उगेगा, उसके बाद में उसकी डाई बना के ग्रीन कंक्रीट एंड वूल को कलेक्ट करने के बाद हम अपना बिल्ड बनाना चालू करेंगे। तो मेरे शीप फार्म के अंदर थोड़ी बहुत शीप्स को मैं डाई कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को डायरेक्टली वो कलर्ड वूल मिल जाएगा, ना कि मेरे को वापस से डाई कलेक्ट कर उसे कलर्ड वूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आखिरी थोड़ा सा कंक्रीट बचा हुआ है, उसे माइन कर लेते हैं। उसके बाद अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट हो चुका होगा एंड फटाफट से माइन करते हैं। समय पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक फर्नेस के लिए रूम बना के दिया, जिसे हम लोगों ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया था अपने घर से, लेकिन अभी फटाफट से इसे करते हैं कनेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रही थी रूम, और मेरे को इसे घर को बड़ा बनाना था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और अभी फटाफट से इसका काम करते हैं। वैसे ये वॉल का पार्टन इस तरह से बनेगा और इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रूम बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए मेरे को बस इस वीडियो का लंबा बनाना था। हाँ, बस इसलिए ये रूम बन गई है। तो ऐसे तो ये सुपर स्मेलर किसी काम का नहीं और ये कुछ चल भी नहीं आया, तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं। तो ये रूम खाली तो गया है और अभी हम लोग को इसके ऊपर भी
वही वॉल का पैटर्न बनाना जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, एंड या फिर उसके बाद चलते हैं अपना क्रीपर एंड ज़ॉम्बीज को बनाने के लिए। चलते अपने मेगा मॉब्स को बनाने के लिए। तो ये वो सारा सामान है जो कि क्रीपर को बनाने के लिए चाहिए, और हम लोग को दो ज़ॉम्बीज और एक स्केलेटन को भी बिल्ड करना है। तो सोचो कितना ज्यादा सामान कलेक्ट करना पड़ रहा है हम लोग। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। अभी हम लोग चालू करते हैं अपना टाइम लैप्स। It's hard to breathe, but that's alright.